उत्तराखंड के विकास नगर से है, जहां उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह आज सेलाकुई में मौजूद सुगंध पौधा केंद्र में पहुंचे। यहां उन्होंने सुगंध देने वाले पौधाओं का निरीक्षण किया और साथ ही साथ राज्यपाल ने एरोमेटिक प्लांट्स के इस सेंटर पर लैब के साथ साथ सुगंध देने वाले पौधों के बारे में भी तकनीकी जानकारी ली। इसी दौरान राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में सुगंध देने वाले पौधों को आसानी से हर परिस्थितियों में उगाया जा सकता है। यह पौधा केंद्र इस दिशा में बहुत बेहतर प्रयास कर रहा है, जिसके चलते बाहरी कंपनियों लगातार इस क्षेत्र में भी MOU साइन कर रही हैं। आने वाले समय में सुगंध देने वाले पौधों के जरिए बड़े रोजगार के अवसर के साथ ही इसका बाजार भी ऊंचाइयों पर होगा। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि सचमुच सेंटर ऑफ एरोमेटिक प्लांट और इनका जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जहाँ पर प्लांट्स को ये जन्म देते हैं, दैट कैन ब्रिंग इट अप। एंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हर एक मीडिया की, हर एक उत्तराखंडी जिसके अंदर में, आपके अंदर में उत्तराखंड की आत्मा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसका प्रचार प्रसार करें कि प्रभु का सबसे बड़ा वरदान हमको एरोमेटिक के इलाके में है। इसलिए जरूरी है कि हम इसको कंज्यूमरिज्म के साथ, इसको मार्केट के साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में, और हमारे महिलाएं, हमारे फार्मर्स, हमारे यूथ मस्ट गेट इंटीग्रेटेड विद दिस। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।